हेलो दोस्तों, सिनेटिक मैजिक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऑल माय सब्सक्राइबर को हैप्पी न्यू ईयर 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो दोस्तों अभी आपने एक इफेक्ट देखा, उसको कैसे एडोब प्रीमियर में क्रिएट करना है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को हमने दो लेयर में शूट किया है। पहला जो लेयर है दोस्तों, हमने सिर्फ बैकग्राउंड को शूट किया है। दूसरे लेयर में दोस्तों हमने अपने सब्जेक्ट को बैठा कर शूट किया है। तो दोस्तों पहला लेयर जो है मेरा, इसको ला करके हम टाइम लाइन पर रख देंगे। ओके, और इसका ड्यूरेशन हम सेट कर देते हैं, डन। उसके बाद दोस्तों मेरा दूसरा वीडियो ये है, ये इसको भी ला करके हम टाइम लाइन पर रख देंगे। ओके, और इसका भी ड्यूरेशन हम सेट कर, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस क्लिप को आपको डुप्लीकेट बनाना है। अल्ट दबा के आप ऊपर की तरफ इसको प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट बन जाएगा। नीचे वाले को ऐसे आपको साइड कर देना है। ओके, और दोस्तों आपको अपना कर्सर एकदम इसके फर्स्ट पे लेकर आना है और इस पर आपको राइट क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा एड फ्रेम होल्ड, तो सिंपल दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका जो फ्रेम है दोस्तों वो होल्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जाना है इफेक्ट कंट्रोल में। आपको यहाँ दिखेगा इफेक्ट कंट्रोल, सिंपल इसके अंदर आपको चले जाना है। इसके अंदर दोस्तों आपको दिखेगा ऑफसेटी, ऑफसेटी के अंदर दोस्तों आपको लेना है वेजियर टूल, तो आपको वेजियर टूल ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो मेरा सब्जेक्ट है इस पर हम लोग मार्क्स करेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्रोग्राम विंडो को जूम कर लेते हैं 400। ओके, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर मार्क्स करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, जितना बारीकी से आप मार्क्स करेंगे उतना ही प्यारा आपका इफेक्ट बनकर आएगा और उतना ही रियलिस्टिक लगेगा। तो दोस्तों इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मेरा मार्क्स कंप्लीट हो चुका है, इसको हम सेट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम विंडो को। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अब ये मेरा सब्जेक्ट मार्क्स हो चुका है। ओके, अब दोस्तों कुछ फ्रेम आपको आगे आना है। ओके, डन, और उसके बाद आपको यहाँ से कट लगा देना है। ओके, और दोस्तों इसको पास में ले आएंगे हम अपने वीडियो को, डन। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है इफेक्ट में, आपको यहाँ दिखेगा इफेक्ट, तो सिंपल इसके अंदर दोस्तों आपको चले जाना है और दोस्तों आपको यहाँ सर्च करना है 3D Roll, 3D ROLL, आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों 3D Roll। तो सिंपल दोस्तों आपको अपने क्लिप पे ला करके रख देना है जिस पे आपने मार्क्स किया है। ओके, और इसका स्पीड हम कर देते हैं दोस्तों 10। ओके, डन। उसके बाद दोस्तों ये मेरा इफेक्ट रेडी हो चुका है, एक बार हम इसको प्ले करते हैं, डन। थोड़ा सा दोस्तों इसका स्पीड और कम कर देंगे 8। ओके, दोस्तों जो मेरा साउंड इफेक्ट है इसके नीचे ला करके हम रखते हैं, ये मेरा रहा साउंड इफेक्ट, इसको ला करके इसके नीचे हम रखेंगे। ओके, ये एक बार दोस्तों अपने साउंड इफेक्ट के साथ अपना वीडियो हम प्ले करते हैं, डन। दोस्तों थोड़ा सा और इसको कम करके इसको ऐसे सेट कर देते हैं। ओके, अब एक बार दोस्तों अपने वीडियो को हम फुल स्क्रीन प्ले कर, तो देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा इफेक्ट बन चुका है। दोस्तों अगर यहाँ थोड़ा सा आपको जंप दिख रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्लिप को ऊपर करेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब इफेक्ट में आएंगे दोस्तों, आप अपना वीडियो ट्रांजिशन खोलेंगे, इसके अंदर आपको दिखेगा दोस्तों क्रॉस डिजॉल्व, तो इसको ला करके अपने क्लिप पर रख देना है और इसका हम स्पीड कम कर देंगे 10, डन। तो दोस्तों एक बार अपने वीडियो को हम प्ले करते हैं, डन। दोस्तों ये इफेक्ट देख सकते हैं कितना प्यारा इफेक्ट ये बन चुका है, एक बार इसको फुल स्क्रीन में हम प्ले करते हैं।
परफेक्ट। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने Adobe Premiere में इस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और दोस्तों इस इफेक्ट को आप अपने वेडिंग हाईलाइट में, वेडिंग टीजर में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों इस इफेक्ट को कितने आसानी तरीके से हम क्रिएट किए हैं। अगर दोस्तों किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।